हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिम्प्यूट्रॉनिक्स। ये एक्सेल सीट आप देख सकते हैं। इस एक्सेल सीट में मैं डेटा तैयार कर रखा हूँ, आप देख सकते हैं। ये आपको भी पता होगा, ये बहुत सारा डेटा है तो एक पेज में तो आएगा नहीं। पेज सेटअप सबको पता होगा, आप पेज सेटअप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसको देख सकते हैं, इतना डेटा है, एंड इधर भी देख सकते हैं, ये इतना डेटा है। तो ऑब्वियसली ये एक सीट में यानी एक पेज में सेट नहीं होगा, होगा तो काफ़ी छोटा छोटा होगा और जो विजिबल भी नहीं होगा। सो आपको इसे मल्टीपल पेज में प्रिंट निकालना पड़ेगा। अभी मैं सिंपली इसका प्रीव्यू आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा आएगा प्रिंट। हम जाते हैं प्रिंट प्रीव्यू में, ये आप देख सकते हैं। ये इसमें देख सकते हैं कि फिर ये आपका डेटा हो गया, जो ये भी कट रहा है, इसके आगे के कॉलम्स जो हैं वो हट कट गए, सेकेंड पेज पर चला गया। ये आप देख सकते हैं आगे के पेजेस में अगले रो के रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। बट सपोज़ अगर आप इसको प्रिंट कर देते हैं, अब मैं ये सेकंड पेज पे हूँ, ये सेकंड पेज पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सारे डिटेल्स दिखा रहा है। अब इसमें कौन सा क्या है, ये तो मुझे समझ में आ रहा है कि सीरियल नंबर है, ये कोड है और ये नाम है, लेकिन इसके आगे ये किस में क्या है किसी को नहीं पता है। यहाँ पर कौन सा बेसिक से सैलरी है, कौन सा टीए है, डीए है, क्या पीएफ है, क्या टीडीएस है, क्या ईएसआई है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है एक्सेप्ट कि इनके नाम। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये हेडिंग आना चाहिए ताकि ये पता लगे कि ये क्या चीज़ है। तो नॉर्मली जब आप प्रिंट करते हैं तो फर्स्ट पेज पे ये हेडिंग आपका आता है एंड देन नेक्स्ट पेजेस पे नहीं आता है। सिमिलरली अब इसमें देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 6 पेज हैं, मैं देख रहा हूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड पेज में ये यहाँ तक आ गया, लेकिन जो इसके राइट में जो कॉलम्स हैं वो आपका कट के अगले पेजेस पे जा रहे हैं, यानी कि वो आगे दिखाएगा। ये देख सकते हैं आप, फोर्थ पेज से ये दिखाना शुरू किया, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो फोर्थ पेज से आगे आ रहा है। इसमें भी आपका, अगर सपोज़ मैं इस पेज की बात करूँ, ये पहले पेज का हाफ पार्ट है, तो इसमें आप देख सकते हैं पीएफ कंट्रीब्यूशन, टीडीएस एडवांस सैलरी एंड टीडीएस सॉरी टोटल पेड डेज एंड नेट पेबल, ये तो दिख रहा है। पर ये है किसका, कौन सा किसका है, किसको मालूम चल रहा है, यहाँ पे नहीं मालूम चल रहा है। तो ये कैसे मालूम चलेगा, अगर मैं प्रिंट कर दूंगा तो किसी को कुछ नहीं मालूम चलेगा कि कौन सा। अगर मान लो ये वाली सैलरी मुझे देखनी है कि ये किसका है नेट पेबल अमाउंट, नहीं पता चल रहा है, इसके सामने का रिकॉर्ड दूसरे पेज पे चला गया है, तो फिर आप पेज को जोड़ेंगे, इकट्ठा करके देखेंगे, ऐसे नहीं होता। इसके लिए ऑप्शन है, इसमें आपको क्या होगा कि हर पेज पे आपका ये जो हेडिंग है वो रिपीट होना चाहिए हर पेज पे। इसमें से जो आपका यूनिक फील्ड है, इधर आप नाम ले लीजिए या एम्प्लॉई कोड ले लीजिए, इनको हर पेज पे रिपीट होना है। इससे क्या होगा कि कौन सा पार्ट किसका है, कौन सा बेसिक है, कौन सा कन्वेंस है, कौन सा मेडिकल है, कौन सा टोटल है, कौन सा पीएफ है, वो पता चलना चाहिए, और वो पार्ट किसका है, किस पर्सन का है, ये भी पता चलना चाहिए। तो इसके लिए आपको इसमें प्रिंट से पहले सेटिंग करना होता है, क्योंकि विदाउट सेटिंग मैंने आपको दिखा दिया कि कैसा दिखेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये पेज का डिवाइडर है, इससे पता लग रहा है कि ये यहाँ से इधर एक पेज में आ रहा है एंड देन अगला पार्ट जो है वो दूसरे किसी पेज में आ रहा है। तो ये जब प्रिंट हो जाएगा तो ये पता नहीं चलेगा कि कौन सा किसका है, फिर आप पेज एक टेबल पर रख के सेट करेंगे, इकट्ठा बिठाएंगे, वो मुश्किल होगा। सो अलग अलग पेज पे ही पता चल जाए, अलग अलग पेज पर ही मालूम चल जाए, तो वो चीज़ करने के लिए हम सेटिंग में पेज लेआउट सेटिंग में जाते हैं। पेज लेआउट सेटिंग में ऑप्शन है, ये देख सकते हैं प्रिंट टाइटल्स, जी ये ऑप्शन ही है जिसके थ्रू आप ये सेटिंग करेंगे, क्योंकि ये एवरीडे वर्क में शायद ना मिले, ये ऑफिशियल वर्क में आपको मिलेगा। एवरीडे वर्क नॉर्मल सिंगल पेज का आप कुछ काम करते हैं तो उसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, इसलिए प्रैक्टिस में नहीं रहता है। सबसे बड़ी बात है प्रैक्टिस में नहीं रहता है, प्रैक्टिस में नहीं रहने की वजह से आपको इस चीज़ का मेमोरी है वो फेड हो जाता है, आप भूल चुके होते हैं। तो अभी मैं इसको आपको बता देता हूँ कि इसको कैसे करते हैं, बहुत से लोगों को शायद पहले से मालूम हो, बट जिनको नहीं मालूम है उनके लिए मैं बता दूँ
इसी सीट के अंदर में मुझे सेटिंग करना है। पहला है प्रिंट एरिया, मुझे बताना है इसमें कि प्रिंट एरिया क्या है। तो प्रिंट एरिया यानी जिसको मुझे प्रिंट करना है, तो चलें प्रिंट एरिया को यहाँ पे क्लिक करते हैं एंड बता देते हैं कि प्रिंट एरिया मेरा क्या है। ये प्रिंट एरिया मैं यहाँ से ले करके और पूरा इसका प्रिंट का रेंज दे देता हूँ। ये हो गया प्रिंट रेंज मैंने दे दिया। देन आता है टाइटल्स, टाइटल्स में क्या रोज किसको रिपीट करना है, कौन से रो को रिपीट करना है, ठीक है, और कौन से कॉलम को रिपीट करना है। तो पहले मैं रोज़ केवल रिपीट करके आपको दिखा देता हूँ। रोज़ टू रिपीट एट टॉप आते हैं, इसमें देखते हैं मुझे इस रो को रिपीट करना है एंड इस रो को रिपीट करना है, दोनों को मैं ले लेता हूँ ताकि इसमें पता चले कि कौन सा पार्ट क्या चीज़ है। कॉलम सभी मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। और ये यहाँ पे ज़रूर ध्यान रखें कि कैसे रहेगा, डाउन देन ऑर्डर ओवर, मतलब पेज नीचे की तरफ जाएगा, जैसे ही पेज ओवर होगा तो रो रिपीट हो जाएगा। इसमें क्या होगा, ओवर देन डाउन वो नीचे में आने लगेगा, हेडिंग्स ये ऊपर वाला ऑप्शन होना चाहिए। इसके बाद यहाँ से ओके कर देना है और फिर आप प्रिंट प्रीव्यू में जाके देखेंगे। अगर आप यहीं पे प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो ऑप्शन है यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू का, इस पर क्लिक करें। आप ये देख सकते हैं ये तो पहला पेज है, ये तो आपको भी पता है, इसमें ऑटोमेटिकली आता ही आता है। अब मैं स्क्रॉल करके इस नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पेज 2 of 6 दिखा रहा है, ये रिपीट हो रहा है दोनों लाइन। ये पता चल रहा है कि किस में क्या चीज़ है, किस में बेसिक है, किस में एचआरए है, किस में बोनस है। नेक्स्ट पेज पे भी आते हैं, पेज 3 यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। सिमिलरली अगले पेज पे यहाँ पे ये तो फर्स्ट पेज का पार्ट है तो ये तो रहेगा रहेगा। सेकंड पेज पे आते हैं, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे दिखा रहा है, इसमें भी दिखा रहा है। तो इस तरह से जो रो है यानी कि टाइटल जो है वो रिपीट हो रहा है इन सब में। अब ये देख सकते हैं यहाँ पे किसका सैलरी कौन सा है, ये पता लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अब यहीं पे मैं पेज नंबर 3 के आगे बढ़ता हूँ, पेज नंबर 4 पे आता हूँ। यहाँ पे ये तो पता चल रहा है कि ये पीएफ है, टीडीएस है, सैलरी एडवांस है एंड पेड डेज है एंड नेट पेबल है, लेकिन ये है किसका ये नहीं पता लग रहा, तो इसको भी सेट करना पड़ेगा। तो इसलिए पता लगे कि ये किसका है। फिर से वापस हम प्रिंट टाइटल पे आ गए। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप रोज़ तो रिपीट हम कर चुके हैं, अब कॉलम्स को रिपीट के लिए हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम कर्सर ले जाते हैं, देन फिर यहाँ पे रिपीट द कॉलम्स। कॉलम इसमें आप देख सकते हैं सीरियल है, एम्प्लॉई कोड है, एम्प्लॉई नेम है। इन तीनों को चाहें तो आप रिपीट कर सकते हैं, चाहें तो आप सीरियल और एम्प्लॉई कोड को रिपीट करें। मैं ऐसा करता हूँ, 3 को रिपीट कर लेता हूँ, ए बी सी। चूँकि यहाँ पे देख सकते हैं आप ये ए टू आर आ गया। ए टू आर आने का रीज़न ये है कि ये मैंने पहला जो रो है ना उसको मर्ज कर रखा है, इसकी वजह से ये रिपीट हो रहा है, ये पूरे रेंज में इसको सेलेक्ट कर ले रहा है। बट नो प्रॉब्लम, यहाँ पे मैं ए तो आ चुका है और आर तक आ रहा है, इसको मैं आर को रिमूव करके यहाँ से मैं सी डाल देता हूँ। अब ये ए से सी तक का इसका रेंज हो गया। अब मैं प्रीव्यू आपको वापस दिखाता हूँ। ये प्रीव्यू में आ गए, ये देख सकते हैं ये पहला पेज है। सेकेंड पेज पे जाते हैं, रिपीट हो रहा है। थर्ड पेज आ रहे हैं, हेडर रिपीट हो रहा है। तो यहाँ तक तो पहले ही आ चुके थे, हम पहले ही देख चुके थे। अब आते हैं हम फोर्थ पेज पे, यहाँ से आप देखें। अब इसमें हेडर तो रिपीट हो ही रहा है, साथ में आप देख सकते हैं कि इसका सीरियल नंबर, इसका एम्प्लॉय कोड, इसका नेम भी रिपीट हो रहा है इन सब के साथ हर एक पेज में। नेक्स्ट पेज, ये फिफ्थ पेज भी देख सकते हैं आप, इसमें भी रिपीट हो रहा है ये हेडर, जो कि क्या चीज़ है, ये पीएफ है, टीडीएस है या नेट पेबल है, और वो है किसका ये भी पता लग रहा है। तो ये कॉलम रिपीट करने की वजह से हो गया। तो इस तरह से आप सेटिंग करके और आप जो टाइटल्स हैं उसको रिपीट करते हैं, ताकि जब ये प्रिंट करेंगे आपको मैं यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू जो एक्चुअली प्रिंट करने का ऑप्शन है वहाँ से भी दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं ये रिपीट हो रहे हैं सभी पेज में हेडर, एंड इधर से आप देख सकते हैं कॉलम्स भी जो जो मैंने रिपीट करने के लिए डाले हैं वो रिपीट हो रहे हैं एवरी पेज में। यहाँ से पेज नंबर भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये प्रिंट भी कर सकते हैं, और प्रिंट में आपके इसी तरह से आएंगे।
तो ये आपका एक पर्टिकुलर ऑफिस में यूज है आपका एक्सेल का, और लार्ज डेटा पे आप काम करते हैं तो ये काफ़ी यूजफुल है, काफ़ी हेल्पफुल है। और थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग।